खबर हरदा जिले से है, जहां कुबेर की नगरी हंडिया में प्राचीन रुद्रेश्वर मंदिर से छूटी पंचकोशी ध्वज यात्रा शुभारंभ किया गया। बता दें, ध्वज पूजा के बाद यह पद यात्रा पश्चिम में रवाना हुई। वहीं यात्रा के प्रभारी और उपाध्यक्ष महेश ठगेले ने बताया कि यह यात्रा पिछले 18 सालों से निरंतर जारी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हंडिया तहसील में पश्चिम को जाने वाली इस यात्रा का उद्देश्य माँ नर्मदा से सुख शांति धन वैभव की प्रार्थना करना है। हंडिया से बलवीर सिंह खत्री की रिपोर्ट। मैं पिछले 12-13 साल से यात्रा में शामिल हो रहा हूं और अब पिछले 3 साल पहले से मेरे घुटनों में दर्द कारण में यात्रा में सिर्फ यहां ध्वज पूजा में शामिल होता हूं और बाकी नहीं जाता। पंचकोशी यात्रा का उद्देश्य ये है कि पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा जो हमको मिली है उनके सर्वे के आधार पर, कि जो लोग पूरी परिक्रमा नहीं कर पाते हैं तो टुकड़ों में यात्रा करने का विधान भी नर्मदा पुराण में किया गया है, जिसको बंदरपुर परिक्रमा कही जाती है। कितनी यात्राएं चल रही नर्मदा खंड में इस समय? गुरुजी के द्वारा जो सर्वे किया गया उस आधार पर 24 यात्राएं नर्मदा जी के किनारे चल रही है।